हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वरदान बन रहा प्रशासन गांवों के संग अभियान, अंतिम व्यक्ति का काम होने तक जारी रहे शिविर विशोई। प्रभारी मंत्री ने लिया जायजा, विधायकों ने निभाई भागीदारी। जिले में कोरोना काल के चलते लंबे समय तक अटके काम पलों में होने के कारण प्रशासन गांवों के संग अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन तथा पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विशोई ने शुक्रवार को शिविरों का निरीक्षण कर अभियान का व्यापक जायजा लिया। प्रभारी मंत्री विशोई ने शुक्रवार को बायतू भीम जी जाखड़ों की ठाणी रोहिला एवं बाटा में पहुंचकर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक हेमाराम चौधरी, मेवाराम जैन एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री विशोई ने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतिम व्यक्ति का काम होने तक शिविर जारी रखने को कहा। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर लोकबंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई समेत जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बायतू भीम जी में आयोजित शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के काउंटरों पर पहुंचकर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों से जुड़ी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने विभाग से जुड़े कार्यों के संबंध में आम जन को जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करें। इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने आम जन से आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं का उनके गाँव में ही समाधान करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अधिकाधिक लोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं तथा योजनाओं का लाभ उठाएं। शिविर प्रभारी जगदीश सिंह आशिया ने संपादित कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में 185 नाम शुद्धिकरण, 101 नामांतरण, 21 बटवारे किए गए एवं 2 पालनहार व 22 पेंशन आदेश जारी किए गए। वहीं 21 स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की स्वीकृतियां जारी हुई व 3 लोगों के घर बिजली के कनेक्शन जारी हुए। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री विशोई ने बाड़मेर पंचायत समिति के जाखड़ों की ठाणी में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सक्रियता के साथ ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों की समस्याओं का उनके कार्यस्थलों पर ही निपटाकर हो सके। इसके लिए विभिन्न विभागों को शिविर में शामिल किया गया है ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें चक्कर नहीं लगाने पड़े। जैन ने लोगों के अधिकाधिक शिविरों में पहुंचकर लाभान्वित होने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने हेल्प डेस्क पर लोक कार्मिकों को ग्रामीणों की हर संभव मदद कर उन्हें योजनाओं से वाकिफ करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदन को ऑनलाइन किए जाने हैं, ऐसे कार्यों की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सहायता की जाए। शिविर प्रभारी रोहित चौहान ने शिविर के बारे में जानकारी दी। यहां 2 लोगों की कोरोना से मौत होने पर उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कोविड सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए एवं 1500 रुपए प्रति माह पेंशन स्वीकृत की गई। शिविर में 92 नामांतरण, 53 नाम शुद्धिकरण एवं 23 बंटवारे किए गए। इसी तरह प्रभारी मंत्री विशोई ने रोहिला एवं बाटा में भी प्रशासन गांवों के संग शिविरों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान विधायक हेमाराम चौधरी, जिला कलेक्टर लोकबंधु भी मौजूद रहे। यहां प्रभारी मंत्री ने लोगों के अधिकतम कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से भी सक्रिय भागीदारी की अपील की। वहीं सिंदरी उपखंड के दरगुड़ा शिविर में भी लोगों के हाथों हाथ कार्य हुए। शिविर प्रभारी वर्माराम चौधरी ने बताया कि शिविर में 31 पट्टे प्रदान कर लोगों को राहत दी। वहीं 90 नामांतरण, 60 नाम शुद्धिकरण एवं 5 बंटवारे आपसी सहमति से किए गए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।